नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि मार्केट 250 पॉइंट के लगभग बढ़ा है। एग्जैक्ट आपको बताएं तो 240 पॉइंट्स, लेकिन आज कई स्टॉक्स ने काफ़ी बड़ा मूवमेंट लिया है, तो वो आपको बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज जो है आज आईटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कंपनीज और मेटल्स, इन तीन में तो बिल्कुल ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी है इन सब ने मिलकर, और बहुत ज़बरदस्त इनमें गेन आया है। देखिए, सेंसेक्स में जो स्टॉक्स बढ़े हैं इनमें मूव बहुत ज़्यादा है, जो बढ़े हैं उनमें तो विप्रो देखिए 4%, HCL टेक 4%, अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 4%, टाटा स्टील 3.5% के ऊपर। तो मतलब इन स्टॉक्स में 3-4% का गेन आना अपने आप में काफ़ी बड़ा मूवमेंट होता है। इन स्टॉक्स में इतना बड़ा गेन जल्दी नहीं आता। देखिए, आपके सामने विप्रो 4% के ऊपर, तो आपको बता दें कि आईटी सेक्टर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसमें लग रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट्स और नहीं बढ़ेंगे, तो उससे कंफर्ट आ रहा है आईटी सेक्टर को। तो आज आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा उछाल था। विप्रो देखिए 4% से ऊपर, उसी तरह एक और आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज 4%। अब देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, ये लगभग 4.25% से ऊपर है। इसमें क्या है कि सीमेंट कंपनीज ने दाम बढ़ाए, तो उसकी वजह से सीमेंट में गेन आ गया। फिर मेटल, हमने आपको बताया कि मेटल में बहुत तेज़ी है। आज मेटल की सारी कंपनीज आज बहुत तेज थी, तो उनको लीड किया टाटा स्टील ने। आपके सामने देखिए 3.5% से ऊपर टाटा स्टील। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट, इनका जो प्लांट है यूके में, उसके लिए कुछ एड भी दे रहा है, तो उसको लेके भी स्टॉक में तेज़ी है। अब अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो देखिए 3-4 स्टॉक्स में आज सर्किट लगा हुआ था, तो वो आपको बताना इम्पोर्टेंट है। जयप्रकाश एसोसिएट्स देखिए 20% का अपर सर्किट लगा है। अपर सर्किट हमने आपको बताया कि बायर होता है, सेलर नहीं है, ये अपर सर्किट है 20% का। उसके अलावा देखिए IRFC, वो भी सर्किट के करीब है 19% से ज़्यादा, तो ये सर्किट इसमें भी लग गया है IRFC में। तो आपको बता दें कि हमने आपको बताया PSU कंपनीज में बहुत तेज़ी है आज, और उसमें भी रेलवे की जो कंपनीज हैं उनमें बहुत तेज़ी थी आज, तो IRFC सर्किट लगा हुआ है। उसके अलावा देखिए MMTC पब्लिक सेक्टर कंपनी, इसमें भी सर्किट लगा हुआ, ऊपर का 20% का सर्किट लगा हुआ है। तो ये तीन स्टॉक्स में तो अपर सर्किट लगा है, मतलब एक दिन में 20% का जंप। 20% का जंप तो मतलब काफ़ी टाइम में आता है, लेकिन ये एक दिन में बड़े स्टॉक में होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए रेल विकास निगम, ये भी रेलवे की कंपनी पब्लिक सेक्टर, ये 11% से ज़्यादा का इसमें जंप है। अब देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, ये 10% स्टॉक अप है, क्योंकि जो ज़ीरोडा के फाउंडर हैं निखिल कामत, ज़ीरोडा आपको पता है कि इंडिया का नंबर वन ब्रोकरेज है स्टॉक मार्केट का, आप सब लोग यूज़ करते होंगे, तो नज़ारा ने उनको प्रेफरेंशियल इशू दिया है, वो अब शेयर होल्डर हो गए काफ़ी बड़े इसमें, तो उसको लेके स्टॉक में तेज़ी। ये हम आपको बता रहे थे माइनिंग और मेटल्स की कंपनीज में आज तेज़ी है। तो कोल इंडिया देखिए बड़ा स्टॉक और 4% से ज़्यादा का इसमें गेन आ गया है। तो आज पब्लिक सेक्टर, हमने आपको कई कंपनीज बताई मेटल्स की और IT सेक्टर, इनमें बहुत तेज़ी है, तो इन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा है, इंडेक्स में उतना एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे चाहते हैं इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय फॉर नाउ।